हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गीता सिंह के चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आज जो रेसिपी लेके आई हूँ वो एक दादी माँ के हाथ का स्वाद है, आप सबको बहुत पसंद आएगी। आओ देखते हैं आज दादी माँ ने आप सबके लिए क्या स्वाद भेजा है अपने हाथों का, और जो है इस तरह बनेगी। चलो देखते हैं दादी माँ के हाथों के स्वाद का भरा जादू। दादी माँ के हाथ का स्वाद है आज खोया मटर की सब्जी। आओ देखते हैं ये कैसे बने। एक किलो दूध का खोआ बनाओ। जब खोआ तैयार हो जाए तो उसको निकाल के अलग बर्तन में रखो, फिर उसका मसाला तैयार करो। मसाले में आप टमाटर, लहसुन, प्याज, तीन चीज़ों को मिक्सी में पीस लें। और पीसने से बाद में कढ़ाई में आप घी डालें। घी डालकर उस मसाले को अच्छी तरह भून लें। मसाले के लिए एक टमाटर, एक बड़ी प्याज, 8-10 कली लहसुन के, हल्दी, 1 चम्मच मिर्च और चीनी, नमक अंदाज़ा, 1 बड़ी प्याज, 8-10 कली लहसुन, तीनों को मिक्सी में पीस लो। मटर को थोड़ा उबाल दो। अब प्याज लहसुन के मसाले को इसमें 1 कड़छी घी डाल करके अच्छी तरह से भून लो। जब तक मसाला घी न छोड़े तब तक उसको चलाते रहो। 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चीनी और अंदाज से नमक डाल करके इसको आप चला के अच्छी तरह से। अब ये मसाला पूरी तरह भून चुका है। अब इसमें आप मटर डालें और जब तक मटर गल जाए तब तक इसको चलाते रहें। अभी मैंने इस मटर को थोड़ा उबाला है क्योंकि ये मौसम की मटर नहीं थी। अगर मौसम की अच्छी मीठी मटर हो तो उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आपकी मटर गल जाए इसमें तब आप उसमें खोआ डालें। अब इसमें हम डालेंगे खोआ। खोआ डाल के इसको अच्छी तरह से चला दो। बस आपका खोआ मटर तैयार है। ऊपर से इसमें डालिए हरा धनिया और सजा के इसे सजा करके और सबको सर्व करें। दादी माँ के हाथों का स्वाद आपने देख लिया। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपको दादी माँ की खोया मटर की सब्जी कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंजॉय खोया मटर।